करंट लगने के बाद अस्वस्थ पिता को ठीक करने व पारिवारिक समस्याओं से निजात देने का कहकर एक ढोंगी बाबा ने सभी समस्याओं को पूजा पाठ से दूर करने का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि फरियादिया की शिकायत पर भैरुंदा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। कल हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाने पर उपस्थित आकर पीड़िता ने बताया था, थाना भैरुंदा क्षेत्र अंतर्गत की ही पीड़िता रहने वाली है। उसने आके बताया था कि जो है एक बाबा ने जो है उसके साथ जो है बलात्कार की घटना कारित की है। उस संबंध में प्रथम दृष्टिया जो है बलात्कार के संबंध में जो है बलात्कार की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया है। योजना के पश्चात ही जो है बाबा जो जो इलाज करता था उसको जो है हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया है। जैसा पीड़िता ने बताया था कि उसके घर में थोड़ी सी समस्याएं चल रही थी, पिताजी वगैरह बीमार थे। उस संबंध में दो तीन दिन पहले करीब ये बाबा जो है मंगल सिंह मेहरा करके हैं, सोहनखेड़ी का रहने वाले हैं, और ये बैठक वगैरह और ये भगूत वगैरह देना ये काम ये करते हैं जी। और इसी बहाने उन्होंने कहा कि मैं ये बैठक करूंगा और आपके पिताजी को ठीक कर दूंगा जी, और आपकी घर की समस्याएं ठीक कर दूंगा। इस बहाने से उसको अपने घर बुलाया, वहाँ बैठक की और वहाँ बैठक खंडित होने का बहाना बनाकर उसको पीड़िता को बोला कि काकड़ पर चलना पड़ेगा। तो उसके भाई पीड़िता को लेकर वो काकड़ पर पहुंचा जी, और भाई को दूर खड़ा करके पीड़िता को अंदर जंगल की तरफ ले गया और वहाँ जाकर उसका थोड़ा पूजा पाठ किया और कुछ नशेला पदार्थ उसको खिला दिया जिससे वो बेहोश हो गया जी। उसके बाद उसके भाई ने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा, उसके बाद मामला पूरा पटाक्षेप मामले का हुआ और उसको जो है उसकी रिपोर्ट के पश्चात ढोंगी बाबा को जो है अरेस्ट करके कोर्ट पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल दाखिल कराया गया।